26 सितंबर फाइनली वो दिन जब मैं केदारनाथ के लिए निकल रहा था। मेरी जो ट्रेन थी वो बठिंडा से थी रात के 11:45 में, और जो मुझे हरिद्वार सुबह 8 बजे के राउंड छोड़ेगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था केदारनाथ के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था बाबा केदारनाथ के पास उनके दर्शन के लिए। सुबह का मौसम काफ़ी ठंडा था, लेकिन हरिद्वार पहुँचते धूप हो गई और ठंड थोड़ा सा कम हुआ। हम लोगों ने एक दिन हरिद्वार में रुकने का ही प्लान किया ताकि हम लोग वहाँ पे गंगा स्नान कर सकें और शाम को वहाँ पे गंगा आरती देख सकें। तकरीबन 8 बजे मैं हरिद्वार स्टेशन पे पहुँच गया था, और हरिद्वार स्टेशन के बाहर मैंने एक ई रिक्शा से बात की, जो कि मुझे 50 रुपये में हर की पौड़ी घाट छोड़ रहा था। हर की पौड़ी घाट की डिस्टेंस स्टेशन से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की थी, और मैं तकरीबन 10 मिनट में हर की पौड़ी घाट पहुंच गया, और आगे का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिनव कुमार भारती एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरेशन भारती। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो अभी मैं हूँ हरिद्वार के घाट पे, हर की पौड़ी घाट। ये कुछ ऐसा नज़ारा है, और अभी मैं जस्ट आधे घंटे पहले ट्रेन से उतरा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले थोड़ा सा नहा लूँ। ये जो पानी है यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी श्रद्धालु हैं जो कि नहा रहे हैं। तो इसको मैंने जो है गूगल मैप पे, गूगल फोटोज़ पे ही देखा है इस घाट को, साक्षात अपने आँखों से देखने का बात ही कुछ और है। तो अब यहाँ पे नहाते हैं और नहाने के बाद निकलते हैं, उसके बाद आगे का प्लान किया जाएगा। अभी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, कुछ होटल वगैरह नहीं लिया है, बस अभी बस यहाँ पे नहाने का प्लान है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नदी काफ़ी फास्ट है, बट यहाँ साइड में हम लोग नहा सकते हैं। मेरे साथ जो ट्रिप पे है मेरा फ्रेंड सुजल है, और हम दोनों भाई अभी साथ में जा रहे हैं नहाने के लिए। ये जो है मेरा पावर, मेरा पिलर है, अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं इसका हाथ पकड़ लूंगा, फिर जहाँ पे रहूंगा मैं वहीं पे रुक जाऊंगा। और ये अपने लिए गमछा खरीदने गए थे, ये कुछ नहीं लाए थे हॉस्टल से, और 60 रुपये का गमछा आप इतना। तो गाइज मेरा जो है वो घाट पे स्नान कम्प्लीट हो गया है, और मेरे फ्रेंड का अभी तक नहीं हुआ है। अरे गायब हो गया क्या, कहाँ चला गया? अच्छा इधर ही है, ये बस निकलेगा थोड़ी देर में, मैं इससे पहले अंदर गया था, निकलने की कोशिश में है, बट वेट थोड़ा सा ज्यादा है, फंसा हुआ है, निकल के इसको निकालना होगा। फिर यहाँ पे मैं कुर्ता जो है घर से लाया था, और कुर्ता पहनने के बाद मैं थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट दिख रहा हूँ। खैर स्मार्ट से मतलब नहीं है, थोड़ा सा आध्यात्मिक जगह है, तो यू नो थोड़ा सा प्रदर्शन करना पड़ता है कि आप मेरे भावनाओं को समझ रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर के वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है इधर मैं आ रहा था, एक शंकर जी का बहुत बड़ा स्टैचू दिखा है। रास्ते में चाय और पराठे के लिए हम लोग रुक गए हैं, ऑर्डर दे दिया है, और आई थिंक यहाँ पे 5 से 10 मिनट रुकेंगे हम लोग, उसके बाद आगे चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। अभी हम लोगों का कुछ भी प्लान नहीं है, सब कुछ अनप्लान्ड ही चल रहा है, और एक बार मैं अच्छे से हरिद्वार को एक्सप्लोर कर लूँ, फिर आप लोगों को बताऊंगा। सो गाइज ये जो है मेरे को घाट से थोड़ी दूर की बात, पता नहीं इसे कौन सा ब्रिज बोलते हैं, बट ये काफी प्यारा है, और उधर एक शंकर जी का बहुत बड़ा स्टैचू है। उधर जाने का ट्राई किया बट रास्ता मिला नहीं, वो रास्ता एक्चुअली बंद है, और आप लोग पहाड़ वगैरह देख सकते हैं, काफी खूबसूरत लग रहा है। अब जो है जाके होटल वगैरह देखते हैं, जो चीप एंड बेस्ट मिल जाए मेरे को। यहाँ पे जो मेन काम था हरिद्वार में वो था गंगा स्नान करना, और जो कि मैंने कर लिया है, और मेरा जो फ्रेंड है वो पीछे है, वो नाश्ता कर रहा है, मैं आगे उसका वेट करूंगा। और इधर काफी होटल वगैरह देखते हैं, अगर कोई सस्ता वगैरह मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। बाकी अपडेट करते हैं आपको
चेक इन करने के बाद। सो गाइज हम लोगों को एक रूम मिल गया है जो कि उन लोगों ने नानेशी का 1200 बताया है, बट हम लोग ने बार्गेनिंग करके 800 रुपये तक किया, बट ये 800 रुपये का भी रूम नहीं है। बट कोई नहीं, रह लेंगे, मजबूरी है, सह लेंगे। ये एसी है बट ये एसी काम नहीं करता है, तो ये मत सोचिएगा कि एसी है, ये नानेशी है। और रूम का क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, बस रहने लायक है। और क्योंकि रश ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, तो पैसे ज़्यादा डिमांड किए जा रहे हैं। होटल में 3-4 घंटे सोने के बाद हम लोग शाम को तकरीबन 5 बजे के राउंड हरिद्वार को एक्सप्लोर करने के लिए निकले, और जो नज़ारा था ओह माय गॉड आप लोग देख ही सकते हैं। तो हम लोग का प्लान था कि अब जब होटल से निकले हैं तो शाम को गंगा आरती देखते हुए निकले, तो जो भी छोटे मोटे प्लेसेस अगल बगल में थे हम लोगों ने वहाँ पर जाकर विजिट करा। पौरी घाट से थोड़ी दूरी पे स्वामी विवेकानंद पार्क है, जहाँ पे ये भगवान शिव का बहुत बड़ा स्टैचू है जो कि मैं सुबह में आपको बता रहा था। और ये मेरे पीछे है बिल्कुल, और ये काफ़ी बड़ा है, वो काफ़ी पीछे से मेरे को दिख रहा था, तो मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी थी कि मैं आके इस स्टैचू को देखूँ। और जैसा कि मैं होटल में चेक इन कर लिया था, वहाँ पर मैंने 2-3 घंटे का नींद भी लिया है, और तकरीबन जब 4-5 बजे हैं तो हम लोग वहाँ से निकले हैं शाम के टाइम में हरिद्वार को एक्सप्लोर करने के लिए। अब जो है हम लोग गंगा आरती के लिए जा रहे हैं। गंगा आरती में अभी 20 मिनट बाकी है, जो कि पहुंचते पहुंचते 20 मिनट लग ही जाएंगे, तो आप लोगों को नज़दीक से दिखाते हैं गंगा आरती और उसकी खूबसूरती। Yeah.
हरिद्वार में फर्स्ट टाइम गंगा आरती देखा है और मुझे काफी पसंद आया, मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने अपने फैमिली को वीडियो कॉल करके गंगा आरती दिखाया है और मैं आपको बता नहीं सकता, यहाँ पे कुछ अलग ही वाइब है। मतलब आप मेट्रो सिटी में रहें या कहीं भी रहें, एक बार हरिद्वार जरूर आए। मेनली जो था मेरा वो गंगा आरती देखना था। मैंने बहुत बार यूट्यूब पे या फिर किसी इंटरनेट वीडियोस पे मैंने देखा है यहाँ पे गंगा आरती। आज साक्षात अपने आंखों से देख के बता नहीं सकता कितना आनंद आया है मुझे। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहूंगा। मैं हरिद्वार के ब्लॉग को यहाँ पे एंड करना चाहूंगा अपलोडिंग सून, और केदारनाथ का ब्लॉग जो है वो भी जल्दी आ जाएगा। मेनली हरिद्वार में था मेरा गंगा आरती देखने का, जो कि मैंने देख लिया और मैं बहुत हैप्पी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हरिद्वार आना मेरा सफल हुआ। अलग ही भाई वाला था आरती के टाइम में, आपको बता नहीं सकता मैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये हरिद्वार ब्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।